अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकीज़ टाइम। आज की मेरी रेसिपी है रसगुल्ले की। हम सिंपल से वे में रसगुल्ले बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी से बन जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 लीटर मिल्क को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसको हम कंटिन्यूसली चलाते हुए एक बॉईल ला लेंगे। उसके बाद हम इसमें विनीगर को ऐड करेंगे। विनीगर या फिर आप लाइम जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बॉईल आने देती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। देखिए, दूध में अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया है। इसमें मैं धीरे धीरे ये 1 टेबलस्पून जितना विनीगर प्लस 1 टेबलस्पून वाटर, दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करती जाऊँ, साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए, मिल्क कर्डल होना शुरू हो चुका है। थ्री टू फोर मिनट्स हम इसी तरह इसको कर्डल होने देंगे। देखिए, पानी अलग सा हो चुका है। मिनट्स हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को स्विच ऑफ कर दिया। अब इसे हम एक कपड़े से छान लें। थोड़ा सा कूल वाटर से हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। थर्टी मिनट्स के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक कि ये पूरी ठंडी ना हो जाए और इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो भी ड्रेन आउट हो जाए। चलिए, मिलती हूँ आपसे 30 मिनट्स बाद। अच्छे से हम इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से इस तरह से नीट कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट सी बन जाए और रसगुल्ले बनने में आसानी। देखिए, पनीर को अच्छे से मैंने नीट कर लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से कपड़े में फिर से बांध के रख देंगे 2 मिनट के लिए और हम शुगर सिरप को रेडी कर लेंगे। देखिए, कढ़ाई में मैं 1 कप शुगर को ऐड करूंगी, 2 कप्स हम वाटर ऐड करेंगे। अच्छा सा इसमें हम बॉईल आने देंगे, तब तक हम अपने रसगुल्लों को रेडी कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे साइज के हम रसगुल्लों को बना लेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों हाथों से उनको बनाएंगे और ये बिल्कुल भी क्रैक फ्री रहना चाहिए। मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना। इसी तरह मैं सारे रसगुल्लों को बना लूँ। देखिए, शुगर सिरप में अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया है। अब 1 बाय 1 हम रसगुल्लों को इसमें ऐड करते हैं।
देखिए शुगर सिरप में मैंने ये 3 इलायची भी थोड़ा सा ओपन करके ऐड कर दिया था। कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम। ये देखिए रसगुल्ले बनकर हमारे रेडी हैं। ये साइज में भी अच्छे से डबल हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा रोज वाटर। इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम सर्व। ये देखिए रसगुल्ले बनकर हमारे एकदम से रेडी हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी से बने हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी से बने हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz, take care.